जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में चार युग माने जाते हैं। सर्वप्रथम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस समय कलयुग चल रहा है। हमारे शास्त्रों में कलयुग की महिमा का वर्णन किया गया है। वैसे तो कलयुग में पूजा पाठ, दान दहेज कम होगा, धूम प्रपंच ज़्यादा होंगे, फिर भी भगवान ने कहा है कि कलयुग में थोड़ी सी भक्ति से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। पहले जो भक्त थे, ऋषि मुनि थे, वो करोड़ों करोड़ों सालों तक, युगों युगों तक तपस्या करते थे, तब भी भगवान के साथ दर्शन ना हो, कृपा प्राप्त ना हो। लेकिन कलयुग में भगवान कह के गए हैं कि कलयुग ऐसा है, यदि इसमें थोड़ी सी भक्ति कर ली जाए तो व्यक्ति का, उसकी संतति सहित, उसके पीढ़ियों सहित उद्धार हो जाता है। तो आपको कलयुग में करना क्या है, सिर्फ दो काम वो बता के गए हैं, दो। पहला, दान। आप अपनी आय का दशांश दान कीजिए, नित्य प्रति दान कीजिए, कुछ भी दान कीजिए। जैसे अन्न दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, धन धान्य दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, कोई ना कोई वस्तु आप दान कीजिए। आप देखिए, जो भी फॉरेनर्स हैं, जो रिच हैं, बिल गेट्स जैसे, वो देखो अपनी संपत्ति का दान करते रहते हैं ट्रस्ट में। आज उनके पास धन की कोई ऐसी अपार धन है, उनके पास कोई सीमा नहीं है, धन आता ही जा रहा है। तो दान देने से धन की वृद्धि होती है। आप ये करके देखिए, प्रभु की प्रसन्नता हाथ लगती है, दान से पाप भी मिटते हैं। दूसरा कार्य है, दूसरा कर्म है, वो है ध्यान। भगवान बता के गए हैं कि तपस्या कलयुग में नहीं हो पाएगी, तो तप मत कीजिए, जप नहीं कर सकते जप भी मत कीजिए, ध्यान अवश्य कीजिए। ध्यान से प्रभु की प्रसन्नता अपार प्राप्त होती है, प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके चरणों का ध्यान कर सकते हैं, उनके मुखारविंद का ध्यान कर सकते हैं, इससे भी आपको सब कुछ मिलेगा कलयुग के अंदर थोड़े ही परिश्रम के साथ। दोस्तों, ये मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं जो शास्त्र में वर्णित थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप अपने से बड़ों को भी शेयर कर सकते हैं, दादा दादी नाना नानी, किसी को भी आप शेयर कीजिए। व्रत नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दान और ध्यान अवश्य कीजिए, कार्तिक महीने का फायदा उठाइए। अच्छे अच्छे समय आ रहे हैं, त्यौहार है, पर्व है, और बहुत ज़्यादा आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए, और कमेंट अवश्य कीजिए जैसा भी आपको अच्छा लगता है, और जो भी आप प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। फिर हाजिर होऊंगा एक और नया विषय लेकर, नया ध्यान लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राम।